हेलो दोस्तों, ये MI का हेडफोन है जिसका ईयर पैड ख़राब हो चुका है। आप देख रहे हो कितनी बुरी तरह से ख़राब हो गई है, जो फोम दिखने लगी है अंदर की। कुछ इसका भी वही हाल हुआ है, लेकिन इसका तो अभी कम है, स्टार्टिंग है, लेकिन ये पूरी तरह से ख़राब हो गया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले इसको निकाल लीजिए। निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप एक कॉर्नर से इसको खींचिए थोड़ा सा, उसके बाद सब तरफ से थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। उसी तरह सेम इसको खींचिए, क्योंकि इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। इसको भी कॉर्नर से खींचिए और फिर थोड़ा थोड़ा सब तरफ से खींचिए, निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं जो थोड़ी सी ख़राब हुई है। कंपनी वालों ने इसे 60 के दिया है, जो ये धीरे धीरे निकलने लगी है, आप देख पा रहे हैं। तो या तो आप इसको किसी भी ग्लू से चिपका दें, लेकिन ग्लू से चिपकाना अभी कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको सिल देने के लिए। उसके लिए आप जितना पतला हो सके उतना पतला ये सुई ले सकते हैं, और धागे, धागा आप ब्लैक या जो कलर आपके पास है वो कलर ले सकते हैं, ठीक है। और मैं इसे सिलने की कोशिश करता हूँ। आप कोशिश करें जहाँ से ये फटना स्टार्ट हुआ है उसके थोड़ा सा पहले से करें, ताकि ये और आगे ना फटे। आप इस प्रकार से पूरा सी सकते हैं। कंपनी वालों ने इसको सी के दिया होता तो ये इतना जल्दी और इतना आसानी से नहीं फटता। और ये ग्लू से चिपकाया हुआ है, जिसके कारण से थोड़ी सी निकलने के बाद ये पूरी निकलती जा रही है। इसी तरह आपको, आप देख पा रहे हैं कैसे सिलना है, इसी तरह आपको पूरी तरह से सिल लेना है। आप चाहे तो इसे पूरा भी सिल सकते हैं, मगर मैं इतना सिल रहा हूँ। और पूरा आप सिल देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधर से भी नहीं निकलेगा जहाँ से आप नहीं सिले। ये आपका हो गया, देख पा रहे हैं। इसी तरह उसको भी बनाना है जो पूरी तरह से खराब हो चुका है सब तरफ से। मैं जैसे सिल रहा था आप वैसे भी सिल सकते, नहीं तो अपने सहूलियत के अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। ये फोम भी आप निकाल सकते हैं, तब निकाल के आप आसानी से सिल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही सिलना ज़्यादा आसान समझ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपको जो आसान लगे, आप चाहे तो इसे निकाल के सिले या फिर ऐसे ही सिले। तो मैं इसको ऐसे ही सिलूंगा। ये धागा मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बड़े ले लिए हैं, इसे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप जितना लगे उतना ही लीजिए।
और आप केयर से काम करें ताकि सुई आपके हाथ में ना चुभे। इसी तरह चारों तरफ सिल लें। तो ये पूरी तरह से सिल गई है। आप इसी प्रकार से आप अपने भी हेडफोन को ठीक कर सकते हैं। और अभी ये ईयरपैड मार्केट में आ भी नहीं रही है कि हम लोग खरीद के लगा सकें। आशा करता हूँ आप इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार किसी भी हेडफोन का ईयरपैड आप आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं। और इस हेडफोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है या फिर आपके हेडफोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं उस प्रॉब्लम पे इस पर वीडियो बना दूंगा। उसी प्रकार का ये स्पंजी फट जाती है तो आप वैसे ही सिल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ये बटन जो बटन साइड राइट वाला लगेगा तो सेम जैसे निकाला गया है उसी प्रकार से इसको आप देख पा रहे हैं दबा के इसको थोड़ी थोड़ी अंदर करते जाना है। हो गया ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।